अरे भाई साहब क्या हो गया भैया, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी चलते चलते बंद हो गई। चलते चलते बंद होगी जी? स्कूटी ले ली, बंद हो गई, क्या करें अब? तो गाइस, ऐसी गलती आप लोगों से ना हो तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, जब आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी रास्ते में बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए, उस विषय में आज बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर। तो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सुमित कटारिया। तो गाइस, आज का जो टॉपिक रहेगा, अगर आप रास्ते में कहीं भी जा रहे हो, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी बंद हो गई, तो आप उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप वर्कशॉप पे जा सकते हो, या कैसे आप अपने घर पे जा सकते हो। तो गाइस, 5 पॉइंट रहेंगे जो आपको ध्यान रखने के लिए है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ MCB की। आपको इसकी सीट ओपन करनी है, ये देखिएगा, यहाँ से आपकी इजीली सीट ओपन हो जाएगी। और ये आपका कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी हो, सब में MCB होती है। गाइस, आपको MCB का मेन ध्यान रखना है। अगर आपकी MCB ऑफ है, अगर आप सीट पर बैठे हो तो प्रेशर के कारण ये ऑफ हो जाती है, या किसी शॉर्ट सर्किट के कारण, तो आपको सबसे पहले आपकी MCB का ध्यान रखना है। और ये जो आपका रेड कलर का वायर है, इसका भी आपको स्पेशल ध्यान रखना हो, ये लूज ना हो। अगर ये आपकी वायर लूज होगी तो आप यहाँ पर पेचकस से इसको टाइट कर सकते हो। तो गाइज, आप अगर आपकी MCB ऑफ होगी इस टाइप से, आपको उठा के ऑन कर लेनी है, देन आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो। तो गाइज, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सेकंड पॉइंट में आता है आपका बैटरी। बैटरी में आपको क्या चेक करना है, तो सबसे पहले बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं गाइज, नॉर्मल लगभग आप मान के चलिए 70% जो लिथियम की बैटरी आ रही है, तो उसमें इस टाइप के सॉकेट होती है। तो आपका कोई भी जो सॉकेट है वो लूज ना हो। अगर आपका सॉकेट लूज होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी कहीं भी बंद हो सकती है। और इसका जो लूज होने का कारण होता है, इसमें स्पार्किंग की वजह से ये लूज भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो सेकंड चीज आपको इसका ये ध्यान रखना है, आपका बैटरी का टर्मिनल। अब मैं तीसरी चीज की बात करता हूँ। तीसरे पॉइंट में जाने से पहले गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं बैटरी की। बैटरी में क्या सिस्टम होता है आपका, मीटर से होता है। देखिए गाइस, अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है, ये देखिए गाइस, किसी भी इलेक्ट्रिक में अभी लगभग ही आप मान के चलिए ये 48 वोल्ट की बैटरी है, और जब 48 वोल्ट की बैटरी फुल चार्ज होती है तो लगभग 54 या 55 वोल्ट के आसपास उसमें फुल चार्जिंग के लिए आता है। तो गाइज, आपको अपनी बैटरी के वोल्टेज का हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कितने परसेंट चार्ज है। इसमें कंपनी ने ये भी दे रखा है, देखिए गाइज, अगर मैं आपको कंपनी का स्टिकर दिखाऊं इस टाइप का, इसमें आपको स्टिकर मिल जाएगा। कंपनी ने खुद कह रखा है कि अगर आपकी बैटरी 50 किलोमीटर चल जाए तो आप इससे चार्जिंग लगा सकते हो। अगर इसका कंपनी बैटरी 70 से 80 किलोमीटर का भी बता रखा है, लेकिन आपको 50 किलोमीटर पे चार्जिंग लगानी है। वोल्टेज के देखने के साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है गाइस, अगर आपकी बैटरी कहीं भी रास्ते में आपका डाउन हो चुकी है, सपोज कीजिए, और आपकी ये निकालने वाली बैटरी होती है ना, जिसको आप ये आराम से इजीली निकाल सकते हो, और आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी कहीं भी किसी भी शॉप पे जाके खड़ी कर दो और उसको डायरेक्ट चार्जिंग कर दो, एक घंटे में जो लिथियम LFP बैटरी होती है वो एक घंटे में आप मान के चलिए 70% चार्ज हो जाती है। बाकी के जो 30% चार्ज है उसमें टाइम होने में 3 से 3.5 घंटे लेती है। तो गाइस, आप इसको निकाल के बड़े आराम से यहाँ पर चार्ज इजीली कर सकते हो। तो गाइस, और जो ध्यान रखने वाली बात है, चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो गाइस, जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखने के लिए है, वो सबसे पहले इग्निशन लॉक। अगर आपका इग्निशन लॉक ऑन है और मीटर में लाइट नहीं आ रही, ये देखिए गाइस, ये अभी इसका स्विच ऑन है और आपका मीटर में लाइट नहीं आ रही, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें हुआ क्या है। तो आप यहाँ से इसके दो पेच खोल के इसको निकाल के इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, जिससे आप नज़दीकी वर्कशॉप जो है वहाँ पर जा सकते हो। तो गाइस, इस टाइप का आपको उसमें ध्यान रखने के लिए है। तो गाइज, अगर मैं इसकी फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, फोर्थ पॉइंट में आपको जो ध्यान रखने के लिए इसकी हवा, आपको हवा का मेन ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी मोटर की बात करूँ, देखिए गाइज, इधर आप कैमरा दिखाइए, इसमें क्या होता है गाइज, ये हब मोटर होती है। हब मोटर में थोड़ा लोड ज़्यादा होता है, अगर इसमें आपकी हवा कम होगी तो नॉर्मल सी बात है कि वो एवरेज भी कम देगी। और अगर आपकी बैटरी मान के चलिए 10% चार्ज है और इसमें हवा कम है, तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हाँ, अगर इसमें हवा फुल होगी तो उसके पहुंचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो गाइज, आपको इसमें हवा का मेन ध्यान रखना है। और एक अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ गाइज, तो उसमें फिफ्थ पॉइंट होता है मीटर के सेंसर। अब तो गाइज, जो मीटर के सेंसर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो मैं आपको डिस्प्ले पे भी शो कर दूंगा। तो जैसे आप जा रहे हो, या आपका मीटर में लाइट आ रही है, देखिए गाइज, यहाँ पर आपका मीटर में लाइट आ रही है, और आप एक्सीलेटर दे रहे हो, आपकी स्कूटी नहीं चल रही है, और यहाँ पर एक सिंबल का साइन आ रहा है जो आप डिस्प्ले पे भी देख रहे हो, तो इसका मेन रीजन क्या है कि आपको ब्रेक चेक करने हैं। देखिए गाइस, इस टाइप से हो सकता है यहाँ पर आपका
तो गाइस होता क्या है, आपका कई बार ये जो ब्रेक सेंसर है ना, इसमें ये प्लास्टिक फंस जाती है, तो जिस कारण आपका ये ब्रेक लीवर थोड़ा दबा रहता है, उस कारण आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं चल पाती। तो गाइज आपको अगर आपके मीटर में लाइट आ रही है तो आपको ब्रेक सेंसर का भी मेन ध्यान रखना है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं चलती। ये छोटी मोटी जो चीज़ है, ये आप इसको बड़े आराम से हटा भी सकते हो और आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी कहीं भी बंद नहीं होगी, जिससे आप अपने घर पर भी बड़े आसानी से पहुँच सकते हो। पॉइंट जिसे आप देख सकते हो, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर कहीं रास्ते में ख़राब हो रही है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और गाइस मैंने और कमेंट भी देखी है, कुछ लोग बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी बेकार होती है, इसको लेना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल बेकार होती है, मैंने अपनी कुछ वीडियो में बोला भी है। देखो अगर आप पेट्रोल के हिसाब से सोचोगे कि भाई पेट्रोल के हिसाब से चलाऊँ, उसको रेस दोगे और उस पर 3% बैठोगे और वही पिकअप चाहोगे, तो फिर उन लोगों के लिए तो देखो बेकार है। अगर किसी का लोकल का काम है गाइस, तो लोकल के लिए इलेक्ट्रिक एक अच्छा स्रोत है और आपको भी इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए, मैं तो सभी को यही बोलता हूँ। और पेट्रोल के भी पैसे और प्रदूषण भी उससे कम होगा। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।